हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। पिछला साल बॉलीवुड के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ था, क्योंकि पिछले साल के दौरान बॉलीवुड ने कई दिग्गज सितारों को खो दिया था। उन्हीं में मशहूर एक्टर इरफान खान का नाम भी शुमार है। अब बस इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके चाहने वालों को इस इंडस्ट्री आज भी उतनी ही पसंद करती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इरफान खान के अदाकारी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। भले आज वो हमारे बीच नहीं रहे हो, लेकिन अब भी उनके फैंस उनकी फिल्म देख सकेंगे। हालांकि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी, जो कि आज यानी कि 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। उनकी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। उनके फैंस को एक बार फिर से उनके अभिनय को देखने का मौका मिलेगा। इस फिल्म का नाम मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 है। इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में पटाया थाईलैंड में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान के बेटे बाबिल और फिल्म के दूसरे क्रू मेंबर मरते मरते बचे थे। दरअसल हुआ ये था कि थाई क्रू के फिल्म की यूनिट को दिन ढलने के बाद हाई टाइड वेव के बारे में अलर्ट किया था। डायरेक्टर नवनीत थाईलैंड के पटाया में समंदर के बीच गाने का एक सीक्वेंस शूट करना चाहते थे। बोट पर इरफान, लकी अली और दीपल शो बैठ कर भी समंदर में पहुंचे ही थे कि तभी मौसम बिगड़ गया और बोट का इंजन बंद हो गया था। नेटवर्क भी नहीं था कि रेस्क्यू टीम से कॉन्टैक्ट किया जा सके। इसके बाद पूरी टीम ने जान हथेली पर लेकर 20 फीट ऊंचाई लहरों का सामना किया और किसी तरह बाल बाल बचे। इस बीच जब कुछ देर तक ये लोग वापस नहीं आए, तो समुंदर के किनारे पर मौजूद कुछ साथी दहशत में आ गए। इसके बाद वहाँ के लोकल रेस्क्यू टीम ने उन्हें जैसे तैसे वहाँ से निकाला और किनारे पर सुरक्षित पहुँचाया। जी हाँ, सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली इरफान खान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने दीपक डोबरियाल की कुशारदा और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों के साथ काम किया था। फिल्म में राधिका मदान उनकी बेटी के रोल में थी और करीना कपूर भी एक अहम रोल में थी। इस फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया था, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इसके अलावा इरफान खान को लाइफ ऑफ पाए, द लंच बॉक्स, तलवार, पान सिंह तोमर, पीकू, मकबूल, नेम से मकबूल और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्होंने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाए जैसी अंग्रेजी मीडियम फिल्मों में भी काम किया था। इरफान खान ने साल 2020 से 29 अप्रैल को कोकीना बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वे कैंसर से पीड़ित थे और काफ़ी लंबे समय तक विदेश में उनका इलाज भी चला, लेकिन वह जंग हार गए। आप हैं आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी एक और बढ़कर एक फिल्म में दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये फिल्म आज ही रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को ज़रूर देखें और इरफान खान के एक्टिंग को बेहद, जो इतनी अच्छी है, उसको बिल्कुल ना भूले। और ये जानकारी कैसे लगी सेक्शन में बताएं, यानी कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।